And this is the price that firm will charge if it operates under perfectly competitive market. jab hum baat karte hain ke ji perfectly competitive market, then it is very difficult to find out some a firm that is very close to perfectly competitive market. तो वहाँ भी हमें कोई एक आप कह लें कि को, कोई ऐसी हमें बात करना पड़ती है कि this is a firm that is very close to perfectly competitive market. और ये usually जो आपके पास agricultural goods होती हैं, उनकी जो market है, that is very

फिर इस मार्केट में क्या होता है कि देयर आर न्यूमेरस नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हु आर परचेजिंग फूड एंड फाइबर प्रोडक्ट्स और जो आपके पास प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स होते हैं इस मार्केट में दे आर प्राइस टेकर्स इनफैक्ट दे हैव नो कंट्रोल ओवर द प्राइस दैट इन द मार्केट कि एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर मार्केट में एंटर हो या लीव लीव करे तो उस मार्केट की उस मार्केट में उस आउटपुट की प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा लेकिन जब हम बात करते हैं कि ये जो हमने मार्केट कैटेगराइजेशन की है दिस इज बेसिकली अबाउट दटेगराइजेशन ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन सेलर्स हमारी यहाँ पे एजम्पन क्या है इन दैट मार्केट देर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड ऑन देश हम कहते हैं कि, market, जब हम कहते हैं तो वहां पर हम इन्हें तीन कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं एक हम कहते हैं मोनोपलिस्टिक कंपिटिशन दूसरा होता है मेरे पास ऑलीगोपली और थर्ड वन है मोनोपली जब हम फार्मर के रेफरेंस में बात करते हैं तो ये जो है फार्मर इज लार्जली सैटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ द परफेक्ट कम्पिटिशन लेकिन जो बाकी सारे एक्टर्स हैं आप कह लें एग्रीकल्चरल मार्केट्स में कि जो आपके पास फूड एंड फाइबर इंडस्ट्री है वो दैट यूजली फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इम्परफेट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन में वो कहाँ पे लाइक करेंगे इट माइट बी पॉसिबल वो मोनोपली में लाइक करें वॉलीगोपली में लाइक करें या मोनोपलिस्टिक कंपटीशन में लाइक करें जब हम एक कंपैरिजन करें बिटवीन परफेक्टली एंड इम परफेक्टली कंपेटेटिव मार्केट तो यहाँ पे दोनों में क्या होगा देर इज शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन के देर इज अ फॉर्म अंडर शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन जो आपके पास एवरेज टोटल कॉस्ट कर वे और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर रहा है दोनों मार्केट्स में क्या होगी अंडर परफेक्टली कंपेटेटिव मार्केट एंड एंडली कंपेटेटिव मार्केट दोनों में यू शेप्ड होंगी कि शुरू में डिक्रीज करेंगे विद्रीज इन लेवल ऑफ आउटपुट एक मिनिमम लेवल पे रीच करेंगे और उसके बाद क्या होगा कि आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग इन बोथ मार्केट्स और दोनों मार्केट्स में जो कंडीशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है कि जो आपके पास ऑप्टिमल लेवल ऑफ आउटपुट है द आउटपुट वेयर फर्म कैन मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट तो वो हम डिटर्मिन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कि जिस पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू हो तो हम कहते हैं कि वहाँ वो, वो क्या है दैट इज आउटपुट वेयर फर्म कैन मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। फिर जब आप कंपैरिजन करोगे बिटवीन इम्परफेक्टलीफेटलीटिव मार्केट तो यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस भी होगा डिमेंड करफेक्टली इलास्टिकल टू होरिजेंटल एक्साइज लेकिन जब आप परफेक्टली मार्केट की बात करोगे तो वहां पे जो फर्म जो आप कह लें प्रोड्यूसर होगा दैट दैट विल फेस अ डिमांड इज डाउनवर्ड स्लोपिंग और एक और बात कि जब आप परफेक्टली मार्केट की बात करते हो तो वहां पे हम कहते हैं कि फर्म्स आर प्राइस टेकर, दे द मार्केट लेकिन प्रोड्यूसर्स आर फर्म्स आर प्राइस मेकर दे कैन कंट्रोल द प्राइसेज अबाउट द आउटपुट दैट दे आर सेलिंग इन द मार्केट और एक और जो आप कह लें डिफरेंस होगा इफ अ फर्म इज ऑपरेटिंगलीट मार्केट एवरेज रेवेन्यू ऑफ द फर्म इज नॉट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू लेकिन परफेक्टली कम्पेटेटिव मार्केट में क्या होता है कि ये एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू बोथ आर इक्वल इस केस में क्या होगा जब आप इंपरफेक्टली कंपेटिव मार्केट में बात करोगे यहां पे आपका एवरेज रेवेन्यू अगेंस्ट ईच लेवल ऑफ आउटपुट क्या होगा इट विल बी ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू तो अगर मैं इस सारे को अब आप कह दें कंक्लूड कर दूं कि दे मेक कैटेगराइजेशन ऑफ द फर्म्स ऑन द बेसिस दर्टन करेक्टर स्टिक्स और वो जो करेक्टर स्टिक्स है वो आपके प्रोड्यूसर को आपकी फर्म को कैटेगराइज करेंगे अंडर दबेडिंग ऑफ परफेक्टली कंपेटेटिव मार्केट एंड इम्परफेक्टली कंपेटेटिव मार्केट और फिर वो जो करेक्टर स्टेक्स हैं जब हम उन्हें मजीद आप कहें डिटेल में जाकर स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दैट करेक्टर स्टेक्स वी कैन कैटेगराइज द मार्केट्स अंडर दबेडिंग ऑफ मोनोपली ऑलिगोपली एंड मोनोपलिस्टिक फर्म्स